मुझे गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उठ गए? ये सर सर ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, कोई ठंड नहीं अभी, नखरे ना मारो। तो बहुत ज्यादा लग रही है। इसी चलाया होगा। नो सर, मैं तो पंखा भी नहीं चला रखा। जैकेट तो नहीं पहन रखी? अच्छा, शर्ट में ही हूँ। अच्छा चलो आगे देखो। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चे? देखो देखो, द मिड पॉइंट्स of the sides of triangle are 1, 2, 0, -1 and 2, -1. Find the coordinates of vertices. आपके पास ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे, अपने को ट्राइंगल के जो वर्टिसेस निकालने हैं। चलो निकालो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। आप कोई भी मान लो ना, जैसे 1, 2 मान लिया, ये 0, -1, ये 2, -1। चलो इसको आप x1, y1 मान लो, इसको आप x2, y2 मान लो, इसको आप x3, y3 मान लो। लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, लगा दो ना सर, x1 + x2 / 2 must be equal to 1। तो x1 + x2 क्या हो जाएगा? 2। एक इक्वेशन आ गई, x2 + x3 / 2, x2 + x3 = 4। एक क्या आ गया, x1 + x3 / 2। x1 + x3 कितना हो जाएगा सर? ये हो गया। अब इनको आपस में सॉल्व करो और क्या, ठीक है ना। x1 की वैल्यू इधर डाल दो, -x3, सिंप्लीफाई करो और क्या, 2x2 = 6। x2 कितना आ जाएगा? 3। x2 3 आ गया, तो x3 कितना आ जाएगा? 1। और x1 कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, सिमिलरली आप y1, y2, y3 भी निकालो। मिड पॉइंट फॉर्मूला से और क्या, y1 + y2 / 2 = 2, y2 + y3 / 2 = -1, y1 + y3 / 2 = -1। तो y1 + y2 कितना हो गया सर? 4। y2 + y3 = -2, और y1 + y3
कर लो भाई। कर लोगे बच्चे? यस सर। इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है? आगे लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। इसमें ये देख रहा हूँ कि जैसे हमने लेफ्ट में 1, 2 लिखा और राइट साइड में 0, -1, तो इसमें ये देखना होता है कि जो जिसका एक्स एक्सिस में सबसे कम होएगा उसको सबसे लेफ्ट वाला देना है। यार देखो सुनो मेरी बात, इतना दिमाग में चलाना होता है, ठीक है ना? ये बस जब उसने ऐसा बोल रखे कि साइड्स के मिड पॉइंट है ना, बस आप रैंडमली जिस मर्जी को मान लो अपने आप सही निकलेंगे। अगर आप इनको ना ढंग से अगर जैसे मान लो हमने कॉर्नर्स निकाल भी जैसे x1 by 1, x2 by 2, x3 by 3, आपने अगर एक्चुअल में कॉर्नर्स निकाल भी ना जैसे मान लो और उनको एक्चुअल में प्लॉट किया जैसे ये 0, 1, 0, 0, -1, 0, 1, ठीक है? जब इनको प्लॉट करोगे ना तो इनके मिड पॉइंट यही आएंगे जो आपको फिगर में दिए, वो अपने आप आएंगे, ठीक है ना? जब उसने नहीं बोला है कि यार आपको डायग्राम के हिसाब से लेना, तो आप आंख बंद करके जैसे मर्जी लो अपने आप आएंगे वो, ठीक है ना? आप ऐसे सोचो कि ये पॉइंट है एक मिड पॉइंट, एक पॉइंट है ये, हमने x1 y1 ये माना था, x2 y2 x3 y3, अपने आप जब सॉल्व करो अपने आप ये वाले पॉइंट अपने वाले ये अपने आप आएंगे, इसकी चिंता नहीं। ओके सर। एक x1 x2 x3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 3px² + 3qx - 1 = 0। देन फाइंड द सेंट्रोइड of the triangle, the coordinates of whose vertices are, the coordinates of whose vertices are x1, 1 by x1, x2, 1 by x2, x3, 1 by x3। हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके वर्टिसेस गिवन है, हमें उस ट्राइंगल के सेंट्रोइड निकालना है जिसके वर्टिसेस दिए, ठीक है ना? और x1 x2 x3 इसके रूट्स। अभी आंसर देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? अच्छा अपने को इसके ना सेंट्रोइड निकालने हैं। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कितना आएंगे? सही अक्ष सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे? x1 + x2 + x3 सही आ रहे हैं। x1 + 1 / x2 + 1 / x3 / 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ σx1/3 और इसमें ना इसमें क्या हो जाएगा σx1/x2/x1x2x3 यही होगा ना सर? और इसकी वैल्यू मैं एक काम करता हूँ ना इधर से निकाल लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस। देखो
x1 x2 x3 इसके रूट्स हैं यार, ठीक है, तो सिग्मा एक्स वन कितना आ जाएगा 3p, सिग्मा एक्स वन एक्स टू कितना आ जाएगा 3q, और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 1, बस रख दो यार इसमें, तो इधर कितना आ जाएगा 3p, सिग्मा एक्स वन एक्स टू कितना 3q, क्या आ गया p कॉमा q आ गया सर, ठीक है, यस सर, आगे बढ़े, एक दो मिनट, नो मेरा हो गया, सबका हो गया भाई, यस सर, यस सर, आगे देखो, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 2, -2, -2, -1, 5, 2, फाइंड द distance between ortho center and central. हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं और हम उस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस निकालें, ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चे सवाल लिखो, देख लिया सवाल, देखो जब भी आपको ना ऐसा सवाल आए कि डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर वगैरह ऐसी कुछ चीज आए, सबसे पहले ना ट्राइंगल का नेचर पता करा, नेचर का मतलब समझते हो कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट है, ठीक है ना, वो पता किया करो सबसे पहले, ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ना ए बोलता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूं, ठीक है, तो पहले ना सबसे पहले साइड्स निकालो, ए बी बी सी और ए सी निकालो, निकालो भी कितने आएंगे, कितने आएंगे बताओ, तो शॉर्ट जल्दी बताना मेरा, ए बी बी सी और ए सी निकालो जल्दी से, ए बी कितना आया सर, 5 आया, 5, ठीक है ना, और बी सी कितना आया देखो -5 -2 49 + 155 √2 आ गया, एसी कितना आ गया सर, वो भी फाइव आया, तो यार ये तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के देखो साइड्स है कि नहीं है, देखो d² + d² = 50 आ रहा ना, तो ये देखो ये बी है, ये सी है और ये ए है, ठीक है, देखो ये 5√2 है और ये क्या है, ये 5 है और ये 5 है, तो इस केस में मुझे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सेंट्रोइड तो हमेशा आपके ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, ठीक है ना, सेंट्रोइड और इन सेंटर बोला ना आपको, ट्राइंगल के इंटीरियर में लाई करते हैं ऑलवेज, ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा बच्चे, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल में इधर नहीं होता है, पेरीमीटर, ठीक है ना, पेरीमीटर में भी कहाँ, जहाँ पे 90 कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, तो सेंट्रोइड इधर होगा, तो बेसिकली आपका ए तो क्या है, यही आपका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना, यही आपका ऑर्थो सेंटर है, और सेंट्रोइड आप निकाल लो, ठीक है ना, सेंट्रोइड निकाल सकते हैं x1 x2 x3 से, सेंट्रोइड निकाल लो, सेंट्रोइड कितना आ जाएगा सर,
पांच बाय तीन, फिर वन बाय थ्री। आपके पास ये भी पड़ा और एच जी निकाल लो बस, ये हो गया आप। एक तरीका ये है सर, ठीक है, आपने ट्राइंगल का नेचर पता कर लिया, ठीक है, आपने देखा क्या तो सेंट्रोइड तो क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय थ्री, वाई वन प्लस वाई टू बाय थ्री, ठीक है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय टू, सॉरी, और ऑर्थो सेंटर तो जहां पे 90 बनेगा वो हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और तरीके से क्या है यार, मैं जानता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के केस पे ना ये ऑर्थो सेंटर होता है, तो सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होगा, थ्री बाय टू और थ्री बाय टू। देखो मेरे को पता है एक रिलेशन एच जीओ वाला, याद है, हाँ बिल्कुल सही, टू इज टू वन। अब देखो मेरे पास एच भी पता है, जी भी पता है, वैसे तो ओ भी पता है, वैसे निकाल लो, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा ना, एच जी वाले रिलेशन से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। देखो जैसे मान लो एच जी निकाला ना मुझे, तो मैं बोल देता हूँ एच जी अपॉन एच ओ कितना आ जाएगा, टू बाई थ्री नहीं आ जाएगा, एच से जी की दूरी अपॉन एच से ओ की दूरी वो क्या है, टू बाई थ्री होगी। यार एच जी निकालना ना, एच जी कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री ओ एच, और ओ एच क्या है बेसिकली आपका इसका इसका डिस्टेंस, और ये क्या होगा, ये तो इसका हाफ नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा ना, है ना, ये आपका क्या बचेगा, ये ओ एच क्या है, सर्कम सेंटर और अपना और सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है आपका इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाले रेडियस, है ना, वही तो है ये, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल का रेडियस है ये, और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस, तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा ये रेडियस, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, टू बाय थ्री, ओ एच कितना है, फाइव रूट टू, ये देखो इससे भी आ गया, इससे कोई डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, ऐसे करके देख लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, यस सर, यस, शाबाश, आगे बढ़े, नो सर, क्यों नहीं पढ़ना आगे, जिंदगी में इधर ही रहना सर, वो लिखना है, लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। देखो बच्चे लास्ट स्टेप में क्या था, मैं बोल रहा हूँ देखो, या तो देखो आपको एच और जी के बीच का डिस्टेंस निकालना ना, तो एच तो हमें पता लग गया जहाँ पे आपका 90 कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, जी क्या होगा आपका ट्राइंगल क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना, सेंट्रॉइड आप निकाल सकते हो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई टू, जी भी निकाल लिया, एच पता लग गया, उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है ना। एक और तरीका क्या है, हम जानते हैं दूसरा कि जो सेंट्रॉइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है, ऐसे लिखा करो एच जी ओ 2:1, हमें बोला है एच जी का डिस्टेंस निकालना, यानी देखो ना कैसे निकाल सकते हो, एच जी अपॉन एच ओ कितना हो जाएगा, एच से जी का डिस्टेंस 2x है और एच से ओ का डिस्टेंस कितना होगा 3x है, तो उनके रेशियो कितने आ जाएगा, एच जी अपॉन एच ओ 2/3, तो एच जी निकालना है ना, तो ओ एच को उस साइड ले जाओ, ओ एच क्या है बेसिकली और सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बेसिकली हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5√2 का हाफ कर दो ना, फिर उधर से कितना आ गया 5√2/3 आ गया, बस ये हो गया जी, और बस इधर से भी वही आने वाला है और इधर से भी देखो वही आएगी। इससे क्या होता है ना, वो आपसे जैसे कुछ भी पूछ रहा है एच जी, ये वाला फंडा ये ज्यादा बेहतर पता क्यों होता है, एच जी ने पूछा है चाहे एच ओ पूछा है या जी ओ पूछा है, कुछ भी पूछा है आप निकाल सकते हो इधर से, खत्म, ओके सर, ठीक है, यस सर, जीओ पूछा है तो जीओ अपॉन ओएच कितना हो जाएगा 1/3, जीओ अपॉन एचओ कितना 1/3, तो जीओ कितना हो जाएगा 1/3 इनटू ओएच, तो बस ओएच तो निकाल लेती है उसका 1/3 कर लो, सेंट्रॉइड और उसके बीच का डिस्टेंस आ गया सर्कल सेंटर, ठीक है, Yes, आगे बढ़ते हैं।
इफ 1, 2 4, 6 5, 7 and S A, B are the vertices of parallelogram. Are the vertices of parallelogram taken in order? Then आपको बताना कौन सा ऑप्शन ट्रू है, A2, B4, A3, B4, A2, B3 और A1, B-1. सही है सर। इसने बोल रखा है पी क्यू आर एस आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, जो ऑर्डर दिया ना, तो पी इधर है, क्यू इधर है, आर इधर है, ठीक है, वैसे लेना। तो पी कितना है, 1, 2, 4, 6 आर कितना 5, 7 और ये ए भी मान लो, ठीक है। अब हमें बोलता है ए और बी की वैल्यू निकालने ना, क्या करो यार, हमने एक कंडीशन जानते हैं, जो आपके पैरेललोग्राम होता है ना सर, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं ना सर, डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, उस कंडीशन का यूटिलाइज करो ना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6/2 = 3, 7 + 2 = 9/2, ठीक है। अब ए प्लस 4/2 = 3, ए कितना आ जाएगा, 2 आ गया, और बी प्लस 6/2 = 9/2, तो बी कितना आ जाएगा, बी 3 आ जाएगा, तो ए 2 बी 3 सी ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है बच्चे, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार दोबारा बता दो, क्या हो गया, दोबारा बता दो एक बार, क्या हो गया बच्चे, अभी क्या दिक्कत है इसको बताओ सर, पता नहीं चला, क्या पता नहीं चला बताओ, सही सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, इसलिए अच्छा कुछ नहीं, देखो इसने बोला है पी क्यू आर एस आर टेकन इन ऑर्डर, तो पी क्यू आर एस ऑर्डर में लेने, ऐसे नहीं कि पी के अपोजिट क्यू ले लिया, पी के अपोजिट एस ले लिया, जैसे उसने ऑर्डर लिखा ना, ये पी क्यू आर एस वैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे उसने नामकरण किया होता ना जो आपको पैरेललोग्राम, तो पी क्यू आर एस वैसे लेने पड़ेंगे, तो पी क्यू आर एस लिख दिया अपने को, इनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो P और R का मिड पॉइंट होगा, हम एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जानते हैं ना सर, उसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, करते कि नहीं करते सर, यस सर, तो इसका और इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा 3, 9/2, अब यही पॉइंट क्या होगा बेसिकली, S और Q का मिड पॉइंट होगा, ठीक है, बस उधर से मिड पॉइंट फार्मूला निकाल के A और B की वैल्यू निकाल ली, ओके सर, आगे लिखो, द लाइन 3x + 4y = 12, x = 0, y = 0, form a triangle. Find the center and
एंड रेडियस ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो क्या होता है? पूछे कौन सी लाइन होती है x इक्वल टू जीरो? y एक्सिस होता है. y एक्सिस पे जो आपका y कोऑर्डिनेट होता है ना, सॉरी जो y एक्सिस पे जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा जीरो होता है ना सर. ठीक है ना, और y इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स नथिंग x एक्सिस. ठीक है ना, उसमें क्या होता है x एक्सिस में क्या होता है आपका y कोऑर्डिनेट क्या होता है वो हमेशा जीरो होता है. तो ये हो गया आपका y is equal to zero और ये हो गया आपका x is equal to zero. ठीक है, अब इस लाइन को प्लॉट करना. देखो 3x plus 4y is equal to 12. आप y को जीरो रखो तो x कितना आएगा? 4 इधर आएगा ही 4 comma 0. y sorry x को आगे जीरो रखोगे तो y कितना आएगा? 3. तो सर ये आपकी जो लाइन है ना सर, ये लाइन कुछ इस तरह की आने वाली है. सर क्या आने वाली? हाँ जी बताओ बच्चों, कौन से सर्कल की बात कर रहे हैं? ऐसा सर्कल जो आपके फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस. वो आपके लाइन को भी टच करो और कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करो. कौन से सर्कल की बात कर रही है? सेम सर्कल. एक ये वाला सर्कल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये सर्कल आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है और आपके इस लाइन को भी टच कर रहा है. एग्री? अच्छा एक ये भी तो आएगा यार, सोचो जरा, ये भी तो आएगा. पता है क्यों? देखो उसने ना एक चीज बोल रखी है, आपने सुनी नहीं. उसने बोला है लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है. तो बच्चे ये देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसने ये थोड़ी बोला है कि कौन सा पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस. जब कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला तो ये पूरी की पूरी लाइन ये एक्स एक्सिस और ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस होता है सर. इसमें कोई पॉजिटिव है या पॉजिटिव वाई नहीं होता है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? देखो ये भी आपके एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है और लाइन को भी टच कर रहा है. तो एक ये वाला सर्कल भी तो आएगा यार, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? यस सर. एक और आएगा, पता कौन सा आएगा? सोचो जरा, ये भी तो आएगा. ये देखो ऐसे भी तो आएगा. ये देखो ये वाला सर्कल भी तो आएगा. देखो ये वाला सर्कल आपके देखो y एक्सिस को भी टच, सॉरी x एक्सिस को भी टच कर रहा है, y एक्सिस को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, इस लाइन को भी टच कर रहा है. अच्छा एक और आएगा, देखा कहाँ पे आएगा? देखा ये ठीक है, ये भी आएगा. देखो ये सर्कल आपके इस लाइन को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है. कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना सर. तो बेसिकली देखो ध्यान से, ये क्या है ना, ये क्या है, ये ए ओ बी बोल दो. ठीक है, ये ऐसा नहीं लग रहा है, ट्राइंगल ओ ए बी एक आपका ट्राइंगल है. और अच्छा ये इन सर्कल हो गया, ये एक्स सर्कल ऑपोजिट टू ए. ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये आपका एक्स सर्कल, ये जो ओवल शेप है ना, ये एक्स सर्कल ऑपोजिट टू बी. और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स सर्कल ऑपोजिट टू ए. तो ये ऐसे लगे इस ट्राइंगल के लिए हमने जो बोला था ना कि मैक्सिमम आप फोर सर्कल्स प्लॉट करते हो विच आर टेंजेंट टू द साइड्स. ठीक है, तो देखो तीन आपके एक्स सर्कल हो गए और एक आपका इन सर्कल हो गया. एग्री है ना, तो इन सभी का अपने को क्या बोल रहा है, सेंटर और रेडियस निकालना है.
इसको तो निकाल लेंगे, देखो ये वाले पॉइंट तो निकल जाएंगे, इन सेंटर और इन रेडियस में तो कोई फर्क नहीं है। देखो इन सेंटर क्या होता है सर, क्या होता है TX1। हाँ तरनवीर, 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 यस सर। हाँ बोलो, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं सर? AX1 plus BX2 plus CX3 by A plus B plus C और कॉमा AY1 plus BY2 plus CY3 A plus B plus C। पलटली कॉपी सर, आवाज ना जाती अगर पलटी आती। देखो अब ए क्या होता है सर, ए होता है आपका जो वर्टिसेस ए के अपोजिट वाली जो साइड होती है ना, ए वो वाली है। ए कितना हो गया, ए फोर है। बी कितना है सर, बी बी के अपोजिट वाली सर, बी वर्टेक्स के अपोजिट, बी कितना है, बी पांच हो गया। और सी कितना हो जाएगा, सी कितना हो गया, सी तीन हो गया। अब रखो इसमें ए एक्स वन, देखो 3 × 0 प्लस बी एक्स टू 5 × 0 प्लस सी एक्स थ्री, एक कितना था, एक चार था सर, 4 × 0 5 × 0 सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कितना, 5 × 4 = 9। चलो पहली बार कर रहा हूं ना फॉर्मूला। अगला ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन 12, ठीक है। आई कितना हो जाएगा, 12 upon 12 1 और ये कितना हो जाएगा, 12 upon 12। तो सर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1, 1। इन रेडियस कैसे निकालेंगे, हाँ जी आर्यन बंसल, इन रेडियस कैसे निकालेंगे सर? जिसके अपोजिट वाली है उसमें बस नेगेटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे सर? अच्छा सर, इन रेडियस, इन रेडियस क्या होता है सर? वो जो सर्कल बनाया हमने इसका रेडियस, इन इन सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है इसका? हाँ जी रुद्राक्ष बताओ, बताओ बताओ सर, वो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला बताओ सर। डेल बाय एस, पढ़ाई नहीं करना बस तुम, है ना? डेल कितना सर? ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया ले लेंगे, एआर बाय में 2 प्लस बीआर बाय में 2 प्लस सीआर बाय में 2, क्या आर इक्वल के बाय एस हो गया? हाँ के बाय एस सर, आपका के मैंने ट्रायंगल मान लिया, क्या बोलते हैं अपना एरिया मान लिया ट्रायंगल का। देखो जो नोटेशन है ना पहले से वही बनानी है और वही बोलनी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने के ट्रायंगल को सर कोई भी मतलब आप वैल्यू ले सकते हैं, एक्स या वाई में से एक्स हो गया अपना एरिया का ट्रायंगल और वो आप वाई सेमी पेरीमीटर मान ले, उस नोटेशन के हिसाब से कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। भाई मेरे सुन मेरी बात, आर इज इक्वल टू डेल बाय एस है ना, तो ये डेल एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो तुम्हें भी डेल ही बोलना है इसको। ऐसा नहीं कि सर मैं के बोल देता हूँ, ठीक है? तो कल को एक बंदा आएगा सर इसको बबलू बोल दूं फिर क्या करोगे? ओके सर, जो नोटेशन है वैसे रीड करनी है। सेमी पैरामीटर के लिए ऐसा होता है तो ऐसी है, ये ऐसा नहीं कि मैं सर कुछ भी लिख दूं। तुम्हें पेपर में भी ऐसे मिलेंगे, एस गिवन होगा डेल गिवन होगा, खुद तुम्हें उसे दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर डेल तो चेंज इन टाइम सर चेंज इन टेम्परेचर भी तो हो सकता है डेल टी डेल, दिमाग नहीं लगाने के, ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। ओके सर, डेल कितना आ जाएगा इस ट्रायंगल के एरिया तो डेल कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट से भी कर सकते हो, वैसे करना तो वैसे करो। देखो राइट एंगल ट्रायंगल ना हाफ बेस से हो जाएगा सर, और क्या छह आ गया। और सेमी पैरामीटर कितना आ गया, 12/2 वो भी छह आ गया, तो इन रेडियस तो 1 हो गया, ठीक है इन रेडियस 1 हो गया। हाँ तरनवीर, एक्स सेंटर अपोजिट टू ए के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स सर? माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और माइनस प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली ये भी निकाल लेना। अच्छा इन रेडियस सॉरी एक्स रेडियस अपोजिट टू ए कितना होगा,
बताओ कॉपी के पन्ने पर डेल बाय डेल अपॉन एस माइनस है, भूल गए तुम लोग? सर मैं जल्दी म्यूट हो गया था, सर जल्दी म्यूट कर दिया था मैंने, जल्दी म्यूट कर। ये जो होता है ना, ये फड़फड़ाहट है तुम लोगों में, ठीक है ना? आलतू फालतू की बातें तुमसे करा लो, ठीक है? ये सर्कल है, ये ओवल है, आपको समझ आ गया ये सर्कल है तो इसको ओवल वगैरह बोलने की क्या जरूरत है? फिर बाकी फालतू चीजों में बहुत दिमाग दौड़ते हैं, जैसे जो चीज पूछे जाए यार वो तो तू बताता नहीं है यार, है? आर वन क्या हो जाएगा? डेल अपॉन एस माइनस है। सिमिलरली इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा? आर टू कितना हो जाएगा? डेल अपॉन एस एस माइनस टू, ठीक है ना? और आर थ्री क्या हो जाएगा? डेल अपॉन एस माइनस एस माइनस, ठीक है ना? आई टू के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, आई थ्री के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, आपको लिखवाए इनके कोऑर्डिनेट्स। आई टू क्या होता है? अपोजिट टू बी वाले का, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए माइनस बी प्लस सी, कॉमा ए वाई वन माइनस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए माइनस बी माइ ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना? ये कर लेना, आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है? ये सवाल कर लेना, ये आपका रहा, ठीक है? सर इसमें सर्कम सर्कल को कंसीडर क्या नहीं किया? सर सर्कम सर्कल है ना, देखो वो सर्कम सर्कल है जो वो आपके ट्रायंगल की साइड्स को टच नहीं कर रहा है, टच थोड़ी कर रहा है, और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच थोड़ी कर रहा है। देखो इसने क्या बोला है, कोऑर्डिनेट रेडियस ऑफ फाइंड द सेंटर सर्कल, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो तो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस को काट रहा है ना। ओके सर, ठीक है, आगे देखो। ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर ए बी एंड सी डी इफ द कोऑर्डिनेट्स of the vertex A are x1 comma y1, then find the coordinates of midpoint of BC. ये सवाल अपने को ट्राइंगल एबीसी के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1, अपने को बोलता है बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहले तो क्या करो, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, अपने को ए के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है? और अपने को और क्या दे रखा है, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर दे रखा है, ठीक है ना? ऑर्थो सेंटर इधर लाई करेगा, ठीक है, और सर्कम सेंटर में लेट से इधर मान लो, ठीक है ना? अपने को बीसी का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, बीसी का मिड पॉइंट ये है, ठीक है ना? बीसी का मिड पॉइंट ये है। देखो मेरे ना एक दिमाग में चीज आ रही है, ठीक है, चीज पता क्या है, ध्यान सुनना, अच्छा लगे तो बोलना। सर जो अपना सेंट्रोइड होता है ना, वो सर्कम ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है कि नहीं करता है? अपने पास ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, मैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, 2
सी प्लस ए बाय थ्री टू डी प्लस बी बाय थ्री। एग्री सर? कोई दिक्कत इधर तक? कोई दिक्कत वो तो महाराज नहीं हो, कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो। नो सर। अभी जो सेंट्रोइड है ना सर, देखो सेंट्रोइड क्या होता है, बेसिकली मीडियंस का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो मतलब ये जो मीडियन है वो सेंट्रोइड से होके निकलेगा, और मीडियन का काम क्या होता है वो बाइसेक्ट करना अपोजिट साइड को, ठीक है ना। मैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स जानता हूँ, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। मुझे जी के भी कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो सेंट्रोइड होता है ना वो इसको और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इसको ना अल्फा कॉमा बीटा मान लो सर, ठीक है ना। हम क्या है ना, देखो ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट मान लो इसको, ठीक है। इसके अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, और ये कितना, ये एक्स वन कॉमा वाई वन, और हम जानते हैं सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी अपन जानते हैं, ठीक है। इधर से क्या हो जाएगा, देखो 2c प्लस a अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 इनटू अल्फा प्लस 1 इनटू x1 अपॉन 3। 3 से 3 बजाय हमारा m क्या, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो 2c प्लस a माइनस x1 अपॉन 2, ये आपका अल्फा आ गया सर। सिमिलरली आप बीटा भी निकाल लो, कैसे, 2d प्लस b अपॉन 3 मस्ट बी इक्वल टू 2 इनटू बीटा प्लस 1 इंटू वाई वन अपॉन 3। तो 3 से 3 बजा दिया, तो 2d प्लस b माइनस वाई वन अपॉन 2, ये आपका बीटा आ गया, और यही हमें निकालना था, ठीक है। हो गया सर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिखो पहले इसको। सर एक मिनट, डन बच्चे? यस, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमें क्या था, देखो बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है ना। हमारे पास सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दे रखा था, तो हमने क्या सोचा, सबसे पहले काम करो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालो, क्योंकि सेंट्रोइड अर्थ सेंटर और सर्कल सेंटर को 2:1 में डिवाइड करें। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए भी पता है, जी भी पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, बस उसके कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है। ठीक है, आगे लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सर, है इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए तो बता दो, √3/4a² √3/4a² एक है साइड, आपके बिल्कुल सही।
अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, जब आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हो, ठीक है, वो जानते हैं क्या होता है? मान लो ना आपको ये हिरोन्स फार्मूला है, कौन सा हिरोन्स फार्मूला? हिरोन्स जब आपको वर्टिसेस हाफ मॉड, ये जैसे लेट से ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, y2, और ये x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स वाला फार्मूला जानता है कोई? सर हाफ इनटू x डिटरमिनेंट टू y1 माइनस y2 ऐसे कुछ था। एक मिनट रुको, हाँ जयंती का बोलो। सर हाफ इनटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y3। शाबाश, बिल्कुल सही बोला बच्चे, ठीक है ना? ये होता है फॉर्मूला। अच्छा ये आया कैसे, ये पता है ये आया कैसे? नो सर। कोई बात नहीं, देखो मैं बताता हूँ प्रूफ वैसे किसी काम का नहीं, मैं करवा भी नहीं रहा, मैं आपको वैसे ही बताऊंगा वर्बली, ऐसे बताऊंगा कैसे। ये आपने सही बोला बच्चे, हाफ मॉडुलस, मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, प्लस एक्स टू, एक साइक्लिक ऑर्डर में चलो, एक्स वन आ गया फिर एक्स टू, एक्स टू में कौन सा आएगा, वाई थ्री माइनस वाई वन, ठीक है, प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई थ्री, ये होता है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है बच्चे ने बिल्कुल सही बोला, ये होता है। अच्छा एक तरीका और है, ठीक है, देखो इसी को लिखने का तरीका पता है क्या है, देखो इसी को लिखने का तरीका, हाँ मॉडुलस, और आप तो आप डिटर्मिनेंट भी जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना डिटर्मिनेंट, देखो हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट किसका, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। देखो इसकी जो वैल्यू आएगी ना सॉल्व करके, इसकी वैल्यू सेम आएगी, करके देख लो, चाहे आप देखो ये वैसे बता देते, देखो x1 y2 y3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो हो रहा है ना, ये है ना, हाँ। तो इधर से क्या है ना, आप एक फंडा ध्यान रख सकते हो, ये फॉर्मूला रटने की बजाय ना ये बेटर वे है आपको ना मेमोराइज करने का, ठीक है ना, ये मॉडुलस नहीं है बच्चे, ये दो मॉडुलस नहीं है, एक मॉडुलस, ये तो मॉड है और ये जो है ना ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, मॉडुलस इसलिए निकाला क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है ना सर, तो ये मॉडुलस है बाहर वाला और जो अंदर वाले है ना ये डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। अब ये देखो आया कैसे, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ आया कैसे, मैं पूरा प्रूफ नहीं करूंगा, मैं ऐसे बताऊंगा आधा हो क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं। देखो ये ए वर्टिसेस था, ये बी था, ये सी था, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल बन रहा है, बना ट्राइंगल, अच्छा इसको ना देखो मैंने ऐसे गिरा दिया, परपेंडिकुलर गिराना सर, ठीक है। देखो इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल एबीसी का, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना, ये मेरा एम है, ठीक है, तो मैंने ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाला कैसे, ध्यान से देखना, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी ई ए, ए बी सी ई, जो ये ट्रेपीजियम है ये वाला, इसका एरिया निकाला, ये देखा, ये वाला दिखा क्या, ये वाला ट्रेपीजियम के लिए, ट्रेपेजियम ए बी सी, इसका एरिया निकाल लिया, प्लस ट्रेपेजियम कौन सा वाला, ये वाला, इसका एरिया निकाला, प्लस ट्रेपेजियम ए ई बी सी, इसका एरिया निकाला, माइनस इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस कर दिया, आपके पास यही तो बचेगा ट्राइंगल का एरिया से, बचेगा कि नहीं बचेगा, यार ये इसको ना ए बी सी
वी आर ए बी सी ई ए बी इसको एफ हो गया नहीं नहीं यार ए बी सी तो पहले बोला था ना ए बी सी डी ई इसको एफ बोल लो और इसको जी बोल दो यार ए बी एफ ई ए बी एफ ई का ट्रेपेज़ियम के एरिया ए ई बी सी माइनस बी एफ बी सी का ट्रेपेज़ियम के एरिया माइनस कर दो ट्रेपेज़ियम बी एफ बी सी ठीक है अब ट्रेपेज़ियम के एरिया निकालना जानते हो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बस वो निकाल लो उसको सॉल्व वगैरह करोगे तो ये आएगा आपके पास और अगर आपने इसी को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा ना तो आपके पास ये आएगा ठीक है ना तो इन सबसे बेहतर क्या है इससे भी ठीक है इन सबसे बेहतर क्या है देखो जब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हो ना बच्चे तो आपने ये लिखाया करो ठीक है ये हाफ मॉडुलस एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन ये होता है ठीक है इसका डिटरमिनेंट ठीक है ठीक है जनाब यस सर आगे देखो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन में लाई करना हाँ ठीक है ना आपके तीनों के तीनों पॉइंट ना एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ठीक है ना अब आप देखो लेट्स से ना ये जो है आपका ये बी पॉइंट या ए पॉइंट भी आपका ना इसी लाइन पे आ जाता है देखो अगर आपका ना ए पॉइंट भी इसी लाइन पे आ जाता है या ऐसे सोचो कि ए पॉइंट ना टेंड कर रहा है वो बहुत बहुत नीचे आ रहा है देखो एक मौका ऐसे आएगा कि ए पॉइंट इस लाइन पे चला जाएगा ये लाइन पे लाई करेगा ना तो अगर ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो यार ये क्या हो जाएगा ये तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा ट्राइंगल तो थोड़ा चपटा नहीं हो जाएगा वो तो ऐसे हो जाएगा और उसका एरिया कितना हो जाएगा जीरो एरिया जीरो हो गया यानी डेल जीरो और डेल जीरो मतलब ये वाली क्वांटिटी जीरो है ना ये वाली क्वांटिटी जीरो अब हाफ तो जीरो हो नहीं सकता उसको उस साइड भेज दो तो यानी ये जो क्वांटिटी लिखी है ना एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन ठीक है जो इसका डिटर्मिनेंट है ना वो आपका जीरो हो जाएगा ठीक है अब इसमें मॉडुलस लगाने का कोई मतलब नहीं है क्यों क्योंकि मॉडुलस ऑफ जैसे मैं लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स कितना आएगा एक्स तो जीरो आएगा ना सर ठीक है ना बात तो ठीक है सर अरे बोलो भाई बोलो यस सर यस सर करो दिल बढ़ जाता है लिख लिया सर यस सर आगे देखो एरिया ऑफ एन साइडेड देखो एरिया ऑफ एन साइडेड फिगर ठीक है लेट्स से हमारे पास था बच्चे एक ना एन साइडेड फिगर है जैसे एक ये हो गया साइड ये होगी साइड ठीक है ये हो गया ठीक है ये हो गया ठीक है ये हो गया ये हो गया ठीक है ऐसे ऐसे करके चल रहा है ये ठीक है अब कुछ ऑन ये ठीक है इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वन वाई वन इसके क्या है एक्स टू वाई टू इसके क्या है एक्स थ्री वाई थ्री ठीक है इसके एक्स फोर वाई फोर इसके एक्स फाइव वाई फाइव अप टू जोन ये है एक्स एन कॉमा वाई ये इसका मुझे एरिया निकालना है तो बच्चों ने बताया क्या बोला बच्चों ने बताया क्या बोला बच्चों ने बोला कि सर आप एक काम करो इधर डायगोनल्स ना प्लॉट करते चलो इन सब का एरिया ऐड करते जाओ वही आपके इस एन साइडेड का फिगर हो जाएगा ठीक है ना तो जब हमने ऐसा किया तो पता है क्या पाया देखो उसकी जो वैल्यू डाली ना हमने ठीक है उसकी जो वैल्यू पाई हमने वैल्यू क्या आई एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉडुलस ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूं उसको जो सॉल्व करके वैल्यू आई होगी कैसे आप भी वैसे लिखोगे एक्स वन एक्स टू एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू प्लस
एक्स टू एक्स थ्री ऐसे साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना ऐसे, ठीक है, एक्स टू एक्स थ्री, वाई टू वाई थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स फोर, वाई थ्री वाई फोर, ठीक है ना, ऐसे करके आपके सवाल चल रहा है, एंड में क्या आएगा, एक्स एन एक्स वन, एक्स एन एक्स वन, वाई एन वाई वन, ठीक है, बस ठीक है। तो ये इसके इक्वल आई होगी वैल्यू, जब हमने उसको ऐसे डायगोनल प्लॉट करके उन सभी ट्राइंगल का एरिया ऐड किया होगा ना सर, ठीक है, उसको जो सॉल्व करके वैल्यू आई होगी वो इसकी इक्वल होगी। और ये कैसे ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है, हाफ मॉडुलस x1 x2 का डिटरमिनेंट y1 y2, फिर x2 x3 y2 y3, x3 x4 y3 y, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर चलना, बस ऐसे नहीं चलना सर, x1 x2 y1 y2 हो गए, अगले बार में x3 x2 y3 y2 का डिटरमिनेंट नहीं बच्चे, उस टाइम फिर आपका एरिया गलत आ जाएगा पक्का, साइक्लिक ऑर्डर चलना है, x3 x4 y3 y4 x4 y4 x5 सॉरी x4 y x4 x5 y4 y5, ऐसे चलते 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 ना फिर एंड में क्या हो जाएगा, एक्स एन एक्स वन वाई एन वाई वन, ऐसा सोचो, देखो ऐसा लग रहा है ना, फील सी आ रही है, पूरा फिगर क्लोज हो गया, ठीक है, आ रही है ना, बस यस सर, यस सर। तो ये आपके ना एन साइडेड पॉलीगन का ना, जब आपको वर्टिसेस गिवन होते हैं ना तो उस टाइम आपके ये एरिया निकालने का तरीका होता है, नहीं तो तरीके और भी है सर, डायगोनल प्लॉट करते जाओ, सबका एरिया ऐड करते जाओ, वो भी एक तरीका है। फाइंड के For which points k plus 1, 2 minus k, 1 minus k, minus k, 2 plus k, 3 minus k are collinear. मुझे k की वैल्यू बतानी है such that ये सारे के सारे पॉइंट्स collinear. मुझे ध्यान से समझनी है सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन सर्कल जो अच्छे से पढ़ लेगा उसको कोनिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसने स्ट्रेट लाइन सर्कल नहीं पढ़ा वो कोनिक में फंसेगा फंसेगा। ठीक है, आगे देखो, बताओ फिर क्या कंडीशन लगाए, कोलिनियर राइट सर, डेल इज इक्वल्स टू, डेल इज इक्वल्स टू 0, डेल इज इक्वल टू 0 लगा दो, ठीक है, तो लगा दो, डेल क्या आ जाएगा, हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 0 ना एरिया, ठीक आ जाएगा, x प्लस सॉरी k प्लस 1, 2 माइनस k, वन वन माइनस के वन, टू प्लस के थ्री माइनस के वन, ये जीरो हो। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हो हैं? जानते हो भाई, लगा दो ऑपरेशन लगाने, लगा दो, नहीं तो प्लस माइनस प्लस करके कर लो ना। अब वैसे देखो आर वन पे आप आर वन माइनस आर टू लगा दो, और R2 पे आप लगा दो R2 माइनस R3, R1 पे R1 माइनस R2 लगाओगे तो कितना आएगा, देखो R2 के ये कितना आ जाएगा 2 0, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2 के माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस के 3 माइनस के 1, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसके अलोंग सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6k प्लस क्या हो जाएगा, इस रो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस प्लस 4k प्लस 2, कितना आ जाएगा माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, तुम पहली बार में क्यों नहीं सुनते हो तरनवीर, हैं? अरे समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, मैं नहीं कहूंगा तुम्हें, तुम पहली बार, हमारा ध्यान कहीं और होता है, फालतू कमेंट वाला दिक्कत, क्या दिक्कत है इसमें, बोलो क्या दिक्कत है सर, जो आपने क्या कहते हैं डेल इज इक्वल टू 0 करके उस पे बात किया ना, वो सर डेल क्या होता है, डेल का बताना मतलब क्या होता है, नहीं सर इससे नीचे नहीं, इससे आगे का, इससे आगे क्या है, ये आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो ना, ये आपका x1 y1 है,
ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू, ये एक्स थ्री वाई थ्री, तो अभी फॉर्मूला नहीं लिखवाया। जब आपका ट्राइंगल का एरिया जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसके, ये जो क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो वन बाई टू तो जीरो हो नहीं सकता, उसको उस साइड पर रख दो, तो इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो कर दो इन कोऑर्डिनेट्स, और क्या वो क्या है, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, बस ये सॉल्व करो और क्या। Written? Yes, sir. Season bhi chahiye na? Excuse me, sir. हाँ बोल रहा है। सर इसमें ऐसे कर सकते थे कि इसके जो x और x या y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल पुट कर देते सबके। x या y कोऑर्डिनेट? Yes sir. सर अगर x कोऑर्डिनेट सेम होएगा तो कोलिनियर हो जाएगा पॉइंट्स। अच्छा ये कहाँ से पढ़ा सर आपने, ऐसा जरूरी है क्या? देखो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हैं? Yes sir. अब देखो इधर तो x y x one y one होगा, इधर तो x two y two होगा, इधर तो x three y three होगा। आंख का अंधा बता देगा सर वो डिफरेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ओके ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लो एक तो वो होती है ना, एक तो एरिया जीरो या फिर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, वो होती है, ठीक है। ओके सर आगे लिखो, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स वन टू टू थ्री एंड एक्स कॉमा फोर इज 40 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड एक्स, बताए इन तीनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस कोऑर्डिनेट्स इज 40 स्क्वायर यूनिट्स, तो मुझे एक्स की वैल्यू बता। ठीक है देखो क्या होगा, लेट्स से सर आप इसको मान लो ना वन टू इधर लाई कर रहे हैं और टू थ्री इधर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट इधर मान लो, ये बी बोल दो, ये सी बोल दो, ठीक है। मुझे ए पॉइंट के बेसिकली एक्स के कोऑर्डिनेट बताना है, इस ट्रायंगल का एरिया सीधा 40 स्क्वायर यूनिट, बच्चे ट्रायंगल का एरिया कितना है 40 है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ। मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है, मॉडुलस नहीं लगाओगे तो आपको अधूरा आंसर मिलेंगे, मॉडुलस लगाना बड़ा जरूरी है। तो मॉडुलस में कितना आ जाएगा, वन टू वन टू थ्री वन एक्स फोर वन इज इक्वल टू 40, टू को साइड ले जाओ, वन टू वन टू थ्री वन एक्स फोर वन इज इक्वल टू 80 हो गया ना। अब क्या करो, ये मॉडुलस है ना सर, ये प्लस माइनस के साथ खुलता है, याद है जैसे मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू होता है, एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस टू होता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो है ना डिटर्मिनेंट वन टू वन टू थ्री वन एक्स फोर वन का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो प्लस माइनस के साथ खुलेगा क्योंकि मॉडुलस है ना सर ये। अब आप इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम भी कर सकते हो, सीधा प्लस माइनस प्लस कर लो, या फिर ये इस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ वन पड़े ना, तो इसके अलावा आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बना लो। तो क्या करो आप, आर वन पे लगा दो आर वन माइनस आर टू, और आर टू पे लगा दो क्या आर टू माइनस आर थ्री,
तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन, माइनस वन जीरो, टू माइनस एक्स, थ्री माइनस फोर, सॉरी कितना, थ्री माइनस फोर कितना हो गया, माइनस वन जीरो एक्स फोर वन इज इक्वल टू प्लस माइनस एट, ठीक है ना। तो इस रो इस कॉलम का लॉन्ग कितना हो जाएगा, देखो इस रो इस कॉलम को एलिमिनेट करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना आ गया, वन, तो कितना होगा, थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एटी आ गया सर। तो एक बार आप क्या करो, एक बार एट्टी ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस एटी ले लो, एक बार एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एट्टी थ्री आ गई, और एक बार एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का सेवेंटी, दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, देखो वो आप ऐसे सोचो, अगर आपके ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया 40 है ना, तो देखो अगर आप इसको ना नीचे की तरफ फ्लिप करोगे ना सर, ठीक है, तो देखो एक और ट्राइंगल ये बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका एरिया भी क्या होगा, 40 होगा, बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट भी इधर है, और आपके ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, जैसे मान लो अगर ये आपका 77.4 है, तो ये कितना हो जाएगा, या माइनस 77.4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 83.4 हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। किसी भी ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट ये रखे ना, इस ट्राइंगल का एरिया था ना, तो डेफिनेटली अगर इसको आप फ्लिप करोगे तो एक और ट्राइंगल ये बनेगा जिसमें बी और सी कोऑर्डिनेट होंगे, और ए कोऑर्डिनेट डिफर करेगा, जिसका एरिया भी क्या होगा, 40 स्क्वायर यूनिट, अपने आप दो आपके ये आ जाएंगे एक्स की वैल्यू, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई, बोल दिया करो, समझ गए सर। रिटर्न आंसर यस सर। एक नोट लिखो आगे, नोट में लिखो ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कांट बी रास्टर, vertices of an equilateral triangle can't be raster. अगर कोई आपका ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसके सारे के सारे वर्टिसेस रास्टर नहीं हो सकते हैं, सारे नहीं होंगे सर, सारे नहीं होंगे, ये सुना है कभी? Yes sir. एक मिनट पहले मुझे टेंथ में दी ये चीज आपने पढ़ी नहीं क्या? नो सर, कट हो गई सर आपसे टेंथ में सर क्या क्या पढ़ा दिया सर आपने, हमने तो पहली बार सुनी है सर ये चीज। अगर मैंने दिखा दी तुम्हारी बुक में, आरडी शर्मा की बुक में आई ये चीजें? नहीं सर, आरडी शर्मा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ते थे सर, एनसीईआरटी करते थे सर। सही है बेटा, सही है। हाँ सर, हमें तो इतना ही बोला गया था, अब आप क्या कर रहे हो, रिवर्स तो नहीं जा सकते सर। चलो कोई बात नहीं, देखो मैं बताने को तो बता दूंगा, तो कुछ नहीं, देखो तुम लोगों ने लॉकडाउन में फुल ऐश उड़ाई और कुछ नहीं है ना, देखो सर कोविड ने जिंदगी बर्बाद कर दी, आप ऐश कर रहे हो करवा। देखो अरे जिंदगी और बात क्या है, बाकी भी तो पढ़ रहे हैं ना यार, अगर कोई बच्चा आईआईटी में टॉप किया तो उसने भी तो बेसिकली दो साल ये लॉकडाउन में फंसा था, उसने पढ़ाई नहीं की है? यस सर। तुम तो आप अपने आप कैसे बोल रहे हो, ये तरस खाओ सर हम सर, हो गई थी सर पहले पहले, अब तो सही चल रही है, पहले सर एक्सपीरियंस नहीं था।
सर देखो बात पता क्या है, ये सब बहाने बन के रह जाएंगे, एक बात मैं बता देता हूँ आपको कल को, ठीक है ना? आज जो मेहनत कर लोगे ना पे करेगी। देखो अच्छा, इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया है ना सर, जैसे तो आप इसको चाहे हीरोज फॉर्मूला निकाल के करो, या फिर वो डिटरमिनेंट वाले से करो, या हाफ बीएच वाले से करो, सबसे सेम ही आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना सर, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। मुंह से ना पान बार थूक दिया करो सुबह सुबह मत, ठीक है ना? बोला नहीं जाता तुम लोगों से। रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इससे भी निकालता हूँ डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, ठीक है, या फिर वो जो आपने पढ़ा ना बोला वो वाला मैं लिखता हूँ, एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, ठीक है, प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये बोला ना सर आपने। अब ध्यान से सुनना, देखो इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें है ही नहीं को सॉल्व करने लायक, ठीक है ना? ये ऐसे ही थोड़ा एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है बस। देखो अगर आपके ना x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब ये इक्विलेटर ट्रायंगल होता है, तीनों साइड्स आपकी क्या होती हैं, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर आप कोई भी साइड निकालोगे, देखो साइड क्या होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, ठीक है ना? अगर इन इन केस मान लो, ठीक है ना, लेट्स से हम सोच रहे हैं कि अगर x2 x1 और x3 y1 y2 y3 सारे के सारे आपके रैशनल है, मान लो, मान लो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, सॉरी x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का जो स्क्वायर होने वाला है ना, ये वाली क्वांटिटी, ये जो होने वाली क्वांटिटी, देखो ये वाली क्वांटिटी तो क्या होगी, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल का स्क्वायर भी कितना आएगा, रैशनल आएगा, बल्कि एक नेचुरल नंबर बोल सकते हो, तो नेचुरल में अगर आप नेचुरल जोड़ोगे ना सर तो वो क्या आएगा, नेचुरली आएगा, ठीक है ना? तो ये क्या, ये जरूरी थोड़ी है कि वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता है, बट जब आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो स्क्वायर करने के बाद ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो रैशनल होगी कि नहीं होगी, होगी ना सर? तो रैशनल इंटू रूट थ्री करोगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, इरेशनल होगी कि नहीं होगी, होगी सर? यस। अच्छा अब देखो, अगर मैंने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री सभी को रैशनल माना है, तो इधर देखो रैशनल माइनस रैशनल कितना होने वाला है, रैशनल, और रैशनल इंटू रैशनल कितना होने वाला है, ये भी रैशनल होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी रैशनल होगा और ये भी क्या होगा, रैशनल। तो जब आप रैशनल में रैशनल ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या आएगी, रैशनल नंबर नहीं आएगी सर, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी सर, आएगी। तो आप एरिया चाहे इस फॉर्मूले से निकालो चाहे इस फॉर्मूले से निकालो, वो तो सेम आना चाहिए था, बट आपका आ नहीं रहा है, एक क्वांटिटी आपकी इरेशनल आ रही है और एक रैशनल आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो ये कब हो रहा था, जब आप एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री क्या ले रहे थे, सारी की सारी क्वांटिटी रैशनल हो रही थी, क्योंकि अगर रैशनल ले लिया ना तो इससे एरिया इरेशनल हो जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, इरेशनल रैशनल के इक्वल होगी नहीं, मतलब आप फॉर्मूला यार जो मत यूज करो, एरिया तो सेम आना चाहिए था बट ऐसा हो रहा है, तो मतलब आपके सारे के सारे जो वर्टिसेस है ना सर वो रैशनल नहीं हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, ठीक है, बट किसी को तो इरेशनल होना पड़ेगा सर, किसी को तो होना पड़ेगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है सर? इरेशनल वाला केस नहीं समझ आया बच्चे, देखो ना ये ए स्क्वायर है, ये रैशनल होगा कि नहीं होगा इतना बताओ, एग्री करते हो नहीं करते? यस सर। रैशनल को जब आप रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, रूट थ्री इरेशनल होता है, तो रैशनल इनटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो आपका इधर से एरिया अगर हम निकालते हैं रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर से, तो आपका एरिया इरेशनल आ रहा है, और अगर आपने इस वाले से किया तो आपका रैशनल आ रहा है। अब रैशनल क्या इरेशनल के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। ओके, ठीक है भाई, भैया ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें होती है, बाकी ऐसे ऐसा कुछ नहीं कि आपके इसके जो नॉलेज था, ठीक है, कुछ खासा फर्क पड़ गया है, या आप जब सॉल्व करोगे, आप तो आंख बंद करके सॉल्व करते हो ना सर, आज तक वैसे ही करोगे आगे, मेरे को पता है ना? आगे देखो, इफ ए वन वन बी थ्री फोर, ठीक है, सी फाइव कॉमा माइनस टू, बी है फोर कॉमा माइनस सेवन, टेकन इन ऑर्डर या इन ऑर्डर
are the vertices of quadrilateral. Find its area. ये बोलते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, अब वो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, वो स्क्वायर हो सकता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, बस अपने को ये पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है, ठीक है ना, किसी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स से जो भी है, अपने को ना उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, और ये एबीसीडी ना ऑर्डर में लेने हैं, ऑर्डर में, जैसे मान लो ना ए इधर ले लिया, बी इधर ले लिया, ठीक है ना, सी इधर ले लिया, ठीक है, और डी इधर ले लिया. देखो निकालने के दो तरीके हैं, ए ये इधर बी, इधर सी और इधर डी, ठीक है ना, आप पता है ना, देखो या तो आप एक काम कर सकते हो, इधर से ना एक डायगोनल प्लॉट कर दिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ऐड करो, एक तरीका ये है, ठीक है ना, एक तरीका ये है. दूसरा तरीका पता है क्या, देखो मेथड वन तो ये हो गया, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लो प्लस ट्राइंगल एसीडी का एरिया निकाल लो, ठीक है, एक तरीका ये हो गया. दूसरा क्या है, देखो दूसरा वो जो फॉर्मूला बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो. फॉर्मूला क्या था, हाँ है याद किसी को, कैसे बोला था आपको, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, एक्स वन एक्स थ्री, वन थ्री वन फोर प्लस थ्री फाइव, थ्री फाइव, थ्री फाइव, फोर माइनस टू प्लस क्या हो रहा है, 10 2, सर ये कितना टाइम है, सर उम्र हो गई है पेन की भी, 5 4 माइनस टू माइनस 7, आपने ऑर्डर गलत लिखा, आपका सवाल उसी टाइम गलत, 4 1 माइनस 7 1, इन सब के क्या है, डिटरमिनेंट्स ले लो, वैल्यू ऐड करो और बस मॉडुलस ले लो, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 20 माइनस 26 माइनस 35 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा सर, 26 27 और ये कितना हो गया 54 माइनस 54 प्लस 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 43, देखो यार कहीं गड़बड़ कर दी है मैंने, मेरे को लग रहा है माइनस 8 माइनस 6 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 8 माइनस 27, ये तो सही है यार, जब फर्स्ट चेयर पेन उसमें प्लस 1 आना चाहिए जहां पे आपने माइनस 1, हाँ इधर प्लस 1 12 41 आएगा, ये इधर वन आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 41 अपॉन 2 आ जाएगा सर आपके, ठीक है, और दूसरा तरीका तो बता ही दिया आपको, इधर से क्या करो, ये ए बी सी एक डायगोनल प्लॉट कर दो, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए ऐड कर दो, दूसरा तरीका, ठीक है सर, लिख गए बच्चे, ये आगे देखो सर, एक सेकंड यार, साथ साथ में बोलना पड़ेगा, हो गया सर, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, if PA is equal to PB,
एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू 10 इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 3,0 एंड 7,0 respectively. ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, पी ए बी 10 है, ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो बड़े खूबसूरत है ना सर, एक्स एक्सिस पे लाए कर रहे हैं यार, ये तो ये 3,0 ये 7,0 पी के कोऑर्डिनेट्स मान लो ना, आप कुछ भी मान लो, एच कॉमा के मान लो या अल्फा कॉमा बीटा एक्स कॉमा वाई, जो आपका मन करता है सर, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है। अपने को बोला है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, सबसे पहले देखो पी ए पी बी के इक्वल दे रखा है इसने, लगा दो कंडीशन, लगा दो ये पी ए एच माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस 7 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो सर, कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h, एच स्क्वायर के स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ जाएगा 8h इज इक्वल टू 40, एच कितना आ गया सर, एच कितना, एच 5 आ गया, एच 5 आ गया, तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5,k हो जाएगा सर इस पॉइंट का, एच तो आ गया। अब इस ट्राइंगल पी ए बी का एरिया दे रखा है उसने, ट्राइंगल पी ए बी का एरिया हाफ मॉडुलस डिटर्मिनेंट 5k1 ठीक है 3,0,1,7,0,1 ये दे रखा है, 10 दे रखा है, 2 को साइड ले जाओ कितना हो जाएगा ये 5k1 3,0,1,7,0,1 तो इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी ना सर 5k1 3,0,1,7,0,1 आप क्या करो प्लस माइनस के साथ ओपन हो गया ना ये, क्योंकि बाहर मॉडुलस है यार, ठीक है ना, आप क्या करो अब इसको सॉल्व करो यार, ठीक है ना, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 5 × 0 माइनस के इंटू कितना हो जाएगा 3 − 7 − 4 प्लस 1 × 0 ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू कितना आ गया सर प्लस माइनस 20, तो k कितना आएगा ये आएगा सर आपका प्लस माइनस 5 ठीक है। देखो बिल्कुल सही बोल रहा है, आपके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना सर, एक तो आ जाएगा 5,5 और दूसरा क्या आएगा 5,-5। देखो ये एक तो 5,5 आ गया ना, जब आप इसी ट्राइंगल को नीचे फ्लिप करोगे ठीक है तो ये भी तो आएगा, देखो ये देखो ए कोऑर्डिनेट ये बी कोऑर्डिनेट ठीक है, और ये क्या हो जाएगा देखो ये 5,-5, इसका ट्राइंगल का एरिया भी ऊपर वाले का 10 था तो नीचे वाले का भी एरिया कितना होगा 10 ही होगा, और ठीक है लिख गया सर। बोलो बच्चे। यस सर। शाबाश। थैंक यू सर। आगे बढ़े। सर अब तो छोड़ दो, 7:41 हो गया, अब तो होमवर्क दे दो। 6 मिनट हो गए सर एक्स्ट्रा सर। 5 मिनट लेट भी तो आया था ना, वो सर आपकी दिक्कत है ना।
नहीं सर, सर हमेशा सर गद्दारी करते हो आप आजकल, आप आगे आगे चलते जाते हो, टाइम पे खत्म नहीं करते सर आप। मैंने एक अच्छा सवाल करवाने वाला हूँ, जिसको करना है करो, नहीं करना वो जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, करा दो सर, सारे रुकेंगे सर, कुछ मर्जी कर लो। पहले उससे पहले ना ये लिख लिया कि नहीं लिख लिया ये बताओ। लिख लिया सर। चलो उससे पहले ना ये नोट लिख लो, नोट लिख लो। नोट क्या है? If G is the, ये बताया भी आपको, G is the centroid of triangle ABC, ठीक है, G is the centroid of triangle ABC, then area of triangle AGB, triangle BGC and triangle AGC is equal and will be one third of area of triangle ABC, ठीक है ध्यान में ये कुछ बताया था ना मैंने बोला था इसको आगे मैं बताऊंगा उधर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये आपके जो सेंट्रोइड होता है ना, सेंट्रोइड आपके ट्राइंगल के एरिया को ना तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में सवाल करवाया था, याद है? ठीक है, यस सर। ठीक है, ये लेक्चर डेल वन है, ये डेल टू है, ये डेल थ्री है। तो ये डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, ये वो क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। और ये किसके इक्वल होते हैं? वन थर्ड ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल होते हैं। है ध्यान किसी को ये चीज? सब क्या बातें करते रहते हो आप भी, ना? अरे डेल वन प्लस डेल टू प्लस डेल थ्री कितना हो जाएगा? डेल एबीसी, ठीक है ना। अब डेल वन, डेल टू, डेल थ्री बराबर है तो थ्री डेल वन इज इक्वल टू डेल एबीसी, तो डेल वन कितना आ गया? वन बाई थ्री डेल एबीसी नहीं आ गया? और वही डेल टू होगा, वही डेल थ्री होगा, ठीक है। अरे इसका मैंने बताया भी था आपको, प्रूफ भी करवाया था कि आपको जो मीडियन होता है ना, मीडियन आपका क्या होता है, ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उससे बताया था आपको। है ध्यान में? यस सर। आ गया, आ गया, चलो ठीक है। अब और सवाल दो। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर, सवाल दो हो गए। सवाल है, इफ ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन कॉमा ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन, बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन, बी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन बी माइनस वन, सी क्यूब अपॉन सी माइनस वन, सी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन सी माइनस वन, आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। Prove that ABC plus 3 times A plus B plus C is equal to AB plus BC plus AC. अब तुम इसमें सोचोगे सर इसमें क्या बड़ी चीज है, तीनों पॉइंट्स कुलीनियर है, कुलीनियरिटी की कंडीशन लगा देते हैं, यानी एरिया इज इक्वल टू जीरो, उससे हो जाएगा प्रूफ, है ना? यही सोचा? कहीं उन्होंने तो सोचा ही नहीं। वो तो क्वेश्चन लिखने में मस्त है, लिखे चलो, लिखे चलो, अपना क्या है, साल साल की कहानी। हाँ जी, कोई अपनी राय देना चाहेंगे इसमें? कोई भी? क्लीनिटी की कंडीशन है, क्या लगाएंगे? हाँ जी नूर टंडन। सर एरिया इक्वल्स टू जीरो पर सर उससे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको अगर हम किसी अज्यूम करें कोई थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में। चलो देखो, इतना तो चलो सही बोल दिया कि मान लिया कि अगर हम एरिया इज इक्वल टू जीरो करेंगे ना, डेल इज इक्वल टू जीरो लगा के इसको सॉल्व करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना बहुत है ना, ठीक है। देखो इसको ना दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या लिख दिया अंशिका काबरा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। नहीं बच्चे, उससे वो कैपिटल आने चाहिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं, वो भी लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी जब लगाओगे ना तो
बच्चा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, स्क्वेयरिंग वगैरह करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, ठीक है ना। देखो एक शानदार चीज बताता हूँ मैं आपको ना, ठीक है, देखो शानदार चीज, जिसको जाना हो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक ना ऐसे चीज है बच्चे, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ना ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो अगर x1 y1 आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है, x2 y2 इस लाइन पे लाई कर रहा है और x3 y3 इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये तीनों के तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, x2 y2 भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और x3 y3 भी सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना सर? अब देखना ध्यान, ठीक है। तो यार मैंने बताया क्या, देखो यार अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर कुलीनियर है, ठीक है, तो डेफिनेटली एक लाइन पे लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। ठीक है ना, ये पॉइंट हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन कॉमा ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन, ये क्या हो जाएगा बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन और बी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन b माइनस वन, और ये हो जाएगा c क्यूब अपॉन c माइनस वन सी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन c माइनस वन, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली अगर तीनों पॉइंट्स कुलीनियर है तो ये किसी एक लाइन पे लाई करेंगे। लिखो लेट द लाइन बी, लेट द लाइन बी a x प्लस कैपिटल b y प्लस कैपिटल c इज इक्वल टू जीरो अपॉन विच थ्री पॉइंट कौन से ए वन ए टू ए थ्री लाइंस। यस सर। एग्री सर? यस सर। यस सर। जल्दी लिखो, पहले इतना लिखो। लिख लिया। हाँ अब तो बड़ी तेजी से लिखोगे ना, पहले तो सर एक मिनट दो मिनट तीन मिनट है ना, फिर मैंने तो आज तक नहीं बोला, एक मिनट दो मिनट आज तक बोला ही नहीं, लफड़ाई खत्म है ना। वीर लिख लिया? अच्छा आप देखो बच्चे, ये पॉइंट तीनों आपके इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे? हैं? यस सर। विल सेटिस्फाई दिस? ठीक है, तो रखना जरा, पहला पॉइंट रखो इसमें सेटिस्फाई कराना जरा। ए कितना हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन प्लस कैपिटल सी इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली देखो बी, ये जो ए टू वाला पॉइंट है ना, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसकी लाइन पे लाई कर रहा है ये। ये कितना हो जाएगा ए ए क्यूब सॉरी ए बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन प्लस बी बी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन बी माइनस वन। यस सर। और सिमिलरली देखो जो तीसरा वाला पॉइंट है वो भी इस लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। एग्री? यार इसको ना सी वन बोल दो यार, नहीं तो सी सी से ना कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, इधर भी सी आ जाएगा ना यार। ठीक है, इतना लिख लो, जल्दी से लिखो। डन सर। क्या बात है, मतलब क्या गेड़े में चले हो तुम लोग तो? सर सर टाइम आपने 15 मिनट ऊपर कर दिया ना। तो देखो सुनो मेरी बात। अच्छा अब इन तीनों का देख के पता क्या लगता है, ध्यान से देखना यार, ये तो कुछ ना ऐसा लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? ध्यान से देखो। यस। और ये क्यूबिक है, क्यूबिक है ना ये? यस। जिसके रूट्स क्या है, एबीसी नहीं है? देखो ध्यान से देखो, ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसके रूट्स एबीसी है। देखो अगर आप एबीसी रखोगे ना, जैसा ए रखा तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन प्लस बी इंटू बी ए स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन ए माइनस वन प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। देखो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना सर? हाँ जी सर।
सिमिलरली देखो बी भी इसका रूट है, देखो बी भी इसका रूट है, देखो बीस में रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटू बी के वो अपॉन बी माइनस वन प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन बी माइनस वन प्लस सी वन इक्वल टू ये मिला, और सी भी इसका रूट है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस सवाल खत्म खत्म बच्चे खत्म। ठीक है, ये ऐसी क्यूबिक है, ठीक है, ये ऐसी क्यूबिक है जिसके कितना हो जाएगा माइनस थ्री बी, जिसके रूट क्या है ए बी सी है, ठीक है, तो हमें क्या है, हमें तो बस सम ऑफ रूट्स पता कर लिया, कितना होगा माइनस का बी बाय कैपिटल ए। अच्छा सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम हो गया, कितना हो जाएगा सी वन अपॉन कैपिटल ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा ए बी सी थ्री बी प्लस सी। हमें प्रूफ क्या करना है देख तो लो पहले, मुझे लगता है जो हमें प्रूफ करना है वो आ गया है ना, ये प्रूफ करना है ना सर, तो ए बी सी यानी थ्री बी प्लस सी वन थ्री टाइम्स ऑफ माइनस बी बाय इज इक्वल टू सी वन अपॉन ए, क्या ये प्रूफ हो रहा है, अरे ये ए भी था वो तो ना, ये प्रूफ अब तो हो गया सर, आपने वहां पे नहीं लगाया था, नहीं नहीं हो गया हो गया, ये देखो हो गया प्रूफ बच्चे, ध्यान से देखो ना, हमें यही तो प्रूफ करना था, ए बी सी प्लस थ्री सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए बी, ये ए बी सी क्या है थ्री बी प्लस सी वन अपॉन ए, और सिग्मा ए कितना है माइनस बी अपॉन ए, और सिग्मा ए बी कितना है सी वन, तो जब आप इसमें देखो एल एच एस देखोगे ना एल एच एस तो थ्री बी अपॉन ए माइनस थ्री बी अपॉन ए कैंसिल, तो सी वन अपॉन ए आ गया ना, और वही आपका आर एच एस है, तो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ सर, ठीक है ना सर, इतना सारा कुछ करने की जरूरत क्या आती, कुछ हेंस प्रूफ लिख दो, ठीक है ना, तो ये देखो ये ना आपको देखो ये सवाल किसका बन गया, ये स्ट्रेट लाइन का होके भी ना ये सवाल किसका बन गया, ये क्वाड्रेटिक का बन गया सवाल, ठीक है ना, तो कोई भी चैप्टर कहीं पे भी आ सकता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, सवालों के क्या है ना ढेर है ढेर सर, चैप्टर्स को स्किप नहीं कर सकते हो आप, ऐसा छोड़ो बोलोगे सर ये कोई चैप्टर छोड़ के मैं सीधा इस चैप्टर पे जंप करता हूँ, पिछले ना किसी चैप्टर का आपको जो कंसेप्ट होगा ना वो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है, तो ठीक है, और ये खासकर थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला तो क्या है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक बात सुनो आगे सर, हाँ बोलो सर, आप टेस्ट में सर ए टू जेड सिलेबस दे रहे हो शुरू से, बिल्कुल ए टू जेड मतलब सर शुरू से सिलेबस दे रहे हो आप लॉगरिथम से लेके स्ट्रेट लाइन तक, हाँ सर इतना सारा सर दे देते हो आप तो, कब दिया मैंने इस संडे को आपको जो टेस्ट है वो तो वो नहीं है बोर्ड वाला, अब बोर्ड वाला तो है सर चैप्टर बहुत सारे दे दिए, नहीं नहीं सुनो मेरी बात, अगर आपका बोर्ड का सिलेबस है ना तो उसमें लॉग वगैरह थोड़ी आएगा, तो पता है सर लॉग तो नहीं आएगा, लॉग तो अपना वो उसके लिए कॉम्पिटिशन के लिए, ठीक है। अच्छा सुनो कल से हम स्ट्रेट लाइन चालू कर देंगे, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन के लोकस वाला पार्ट तो अभी क्या चल रहा है, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो स्ट्रेट लाइन की तो कुछ बात ही नहीं हुई है, अभी तक मैं बोला आपको लाइन लिखो, बोला क्या मैंने आपको लाइन लिखो, क्या कह रहे हो आप सर, ये तो मैं सोच रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन सर मामू बना दिया आपने तो सर, स्ट्रेट लाइन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन अपना कम से कम ना सर पौना महीना चलता है टॉपिक, ठीक है, अच्छा होमवर्क में क्या दिया था आपको स्पेशल ईपीपी वन दी थी ना, यस सर, एक बात बताओ सर डिस्कशन कब करोगे आप, सुनो स्पेशल ईपीपी वन में ना देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कल नहीं होंगे आपसे, जैसे मान लो वो पैरेललोग्राम का आप में कोई जैसे कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे वो निकालना वगैरह, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं होंगे ना आज आपको मैं फिर से पता है क्या दे रहा हूँ, वही दे रहा हूँ स्पेशल ईपीपी वन स्ट्रेट लाइन के, मेरे को पता मैंने कल दे रखी थी, बट इसमें जो सवाल आपसे नहीं हुआ आज फिर से ट्राई करूंगा, ठीक है सर, डिस्कशन कब करोगे सर आप, सदियां होगी